बाय बाय दीदी, बाय। तो अब हमारा पौधा लग चुका है, अब इसको देख रेख कौन करेंगे? गुड्डू भैया करेंगे। हम डेली इसको पानी देंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। अभी हम अयोध्या में है आशु भैया के पास। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम गोरखपुर के लिए। यहाँ से गोरखपुर 140 या 45 के आसपास होगा और गर्मी तो आज बहुत तकड़ा वाला होने वाला है। तो गाइस यहाँ से गोरखपुर जो है 144 है, अयोध्या सीधा है 10 और लखनऊ 126 है। तो अभी यहाँ से हमें राइट की तरफ मुड़ना होगा, यानी हाईवे पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से जाएगा अयोध्या, राम मंदिर आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा, दशरथ मंदिर भी जाने के लिए इधर से ही जाएंगे हम लोग। और अभी हम आए इधर से, तो अभी अपन करेंगे नाश्ता। ये है मिक्सचर चाय और ये है पॉप और ये है बिस्कुट। तो फाइनली गाइस अपन छावनी पहुंच गए हैं और ये है छावनी और यहाँ से बस्ती जो है 40 किलोमीटर है। तो फाइनली गाइस अपन नहा धोकर वापस से निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 2, अपन आ चुके हैं बस्ती। मार्केट में क्राउड देखो पूरा हो रखा है इतने धूप में। अच्छा हमको अभी बाटा गली जाना है, बस आगे 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 है ना। तो फाइनली अपन आ चुके हैं इनके घर से। हेलो, अपना साइकिल वहाँ पे। मैं तो यहाँ पर आधे घंटा से मतलब ढूंढ रहा हूँ कौन सा है घर, कौन सा है घर। तो अब टाइम हो चुका है इवनिंग का 5:30। अब हम यहाँ से निकलेंगे शाहजहानवा के लिए। बाय बाय दीदी। हाँ हाँ फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। तो फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं NH पे और आगे से इतना हवा आ रहा है कि हम साइकिल को भगा नहीं पा रहे हैं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 8 और यहाँ से है 26 किलोमीटर। तो फाइनली गाइस अपन पहुँच चुके हैं रामेश्वरी कार पॉइंट गुड्डू भैया के पास में और टाइम हो चुका है 10:36। रोशन भाई यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ही लंबा ट्रेवल करके रोशन यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत थक गए हैं और पहले से ज़्यादा दुबले हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपना हौसला इन्होंने छोड़ा नहीं और हम लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि आप चले जाओ यहाँ से कम गाड़ी से चले जाओ, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। ये अपना मिशन को पूरा ही करेंगे जो टारगेट लेके चले थे और इन्होंने जो हौसला दिखाया बहुत ही कम लोग दिखा पाते हैं और हम यूथ लोग को इनसे सीखना चाहिए कि अगर हम लोग मेहनत किया जाए तो कोई भी जो है टारगेट मुश्किल नहीं है, पूरा कर सकते हैं। तो आज काफ़ी टाइम लग गया। हमने गुड्डू भैया को बोला था कि हम पहुंच जाएंगे कितने बजे तक, भैया आपको बोले थे हम? हमको बोले थे आप 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 10 बजे तक हमारे पास आ गए, बहुत अच्छा लगा। और भैया वेट कर रहे थे हमारा वहाँ पे आगे में थोड़ा, लेकिन हम डायरेक्ट पेट्रोल पम्प को याद आया कि पेट्रोल पम्प को वहाँ पे भैया वीडियो बनाए थे एक, तो हमने देखा कि पेट्रोल पंप है। हमने आपको लेने भी गया था लेकिन आपने चलते चलते आ गए थे। हम कितने तारीख को आए थे भैया? आप लोग आए थे 8 मई को आए थे। 8 मई को यहाँ आए थे। वो तो बच्चा इतना ही प्लान किया, पूरा ऑल इंडिया का नाम किया, तिनसुकिया का नाम किया। तो अभी हम करने वाले हैं डिनर, पनीर का सब्जी है, पनीर मटर और यह है सलाद रोटी। आज कितने दिनों के बाद हम घर का रोटी खा रहा हूँ, वो भी गुड्डू भैया के घर का। टाइम हो रहा है सुबह का 9, भैया बोले कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हम और गुड्डू भी आ चुके हैं हवेली रेस्टोरेंट में। तो गुड्डू भैया ने अभी एक पौधा लिए है, अनार का पौधा लिए है। गुड्डू भैया ने बोले कि आपका मिशन में हम भी सहयोग करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो अभी हम इस पौधा को लगाएंगे, खा पी के जाएंगे और इनके घर के सामने पौधा लगाएंगे। हाँ, घर के सामने लगाएंगे। सबसे अच्छा लगा कि 4 किलो 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर भी जाना होता, हम लोग कार बाइक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भैया को तो मान गए। खाना ये है रोटी, दही, अचार, सलाद। तो अभी हम एक पौधा लगाने वाले हैं, क्या क्या अनार का है। के पेड़ है, तो अभी इसे हम लगाएंगे। तो अब हमारा पौधा लग चुका है,
अब इसको देख रेख कौन करेंगे? गुड्डू भैया करेंगे। हम डेली इसको पानी देंगे। ठीक है भैया, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे, फिर मिलना, फिर इस रूट पे मिलना। अब ले लद्दाख के टाइम में आएंगे। ठीक है भैया, नमस्ते, आराम से चलिए। ठीक है, हाँ भैया, थैंक यू। तो गाइस यहाँ से कुशीनगर जो है 48 किलोमीटर है, गोपालगंज है 119। तो अभी टाइम हो चुका है 4:40 और हमें जाना है अभी 16 किलोमीटर, और हम इधर खा रहे हैं बिस्कुट। बिस्कुट खाकर देन वापस से निकलेंगे कुशीनगर की तरफ, यानी गौरव भैया के घर जाएंगे आज। आज वहीं पर स्टे करेंगे। तो गाइस यहाँ से दरभंगा जो है 292 किलोमीटर है, गुवाहाटी यहाँ से 1135 किलोमीटर है। हमें लग जाएंगे 10 दिन गुवाहाटी पहुँचने में, अगर मौसम साथ दिया तो। यहाँ से गौरव भैया का घर जो है 2 किलोमीटर दिखा रहा है, तो डायरेक्ट उनके घर पे ही चलते हैं। और अभी टाइम हो चुका है 6:05। फाइनली अपन आ चुके हैं गौरव भैया के पास हाटा में। तो भैया कब से वेट कर रहे थे, भैया को हम बोला था कि 2-3 बजे के आस पास पहुँच जाएंगे। हवा इतना मार रहा है और गर्मी इतना है कि हम डिस्टेंस ज़्यादा तय नहीं कर पा रहे। अपन डिनर करके अभी निकल चुके हैं थोड़ा सा हाटा टाउन घूमने के लिए। सो गाइस, तो अपन खाना वाना खाकर अब यहाँ पे आ चुके हैं सोने के लिए। तो आज अपन बाहर में सोएंगे, वहाँ पे मच्छरदानी हमने लगा दिया है, क्योंकि आज हमें लेना है नेचुरल हवा और बढ़िया से सोएंगे। मच्छरदानी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो प्यारा से लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और एक और बात है, ज़्यादा मैं वीडियो को दिखा नहीं रहा हूँ, बिकॉज उसी रूट से आ रहा हूँ, तो जो मुझे लग रहा है कि हाँ यूनिक है वही चीज़ दिखा रहा हूँ, फालतू का चीज़ों को मैं दिखा नहीं रहा हूँ ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ खास वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।